नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पार्टी ने कहा नहीं मिलेगा भाड़ा, माल का जो करना है कर। फिर ड्राइवर ने ताव में आकर किया माल गौशाला में दान। यह महाराष्ट्र सादा से मैं पपीता भर के आया हूं। जो मेरी गाड़ी जोधपुर से गई, जोधपुर से जयपुर भेजा गाड़ी को, दो दिन हो गए हैं गाड़ी को। इसमें से मेरे को आधा भाड़ा दिया है, 50,000 रुपये दिया है। बोल रहा तेरे को माल उतरवाना है, वहाँ उतरा। अब मैं गौशाला में आया हूँ, यहाँ पे मेरा माल खाली करवा रहा हूँ गौ सेवा के लिए। ड्राइवर जोधपुर का रहने वाला है, जो 25 तारीख को महाराष्ट्र से गाड़ी में कच्चा माल लेकर चला था। ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर से कहा था कि तेरी गाड़ी दो जगह उतरेगी, जोधपुर या फिर जयपुर। गाड़ी में पपीता था, जिस कारण ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई और 26 तारीख को ही गाड़ी जोधपुर की मंडी में लगा दी, ताकि माल खराब ना हो। लेकिन मंडी में भाव कम मिल रहा था। गाड़ी में 12 टन माल था। उसने एक दिन इंतजार किया तो ट्रांसपोर्टर ने उससे कहा कि तू जयपुर चला जा, तुझे हम 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। ड्राइवर ने गाड़ी जयपुर की तरफ घुमाई। जयपुर पहुंचे तो पार्टी ने गाड़ी का कांटा करवाया, कभी आधा सामान निकाला और फिर आखिर में कहने लगे कि तेरा माल खराब है, हम भाड़ा नहीं देंगे, जहां ले जाना है ले जा। ड्राइवर ने ट्रांसपोर्टर को फोन किया तो यहां ट्रांसपोर्टर ने भी उल्टा ड्राइवर की ही गलती निकाल दी। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि तेरी वजह से सब हुआ है, तेरी वजह से ही माल खराब हुआ है। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और कहा कि जनाब, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो आपने कहा वो मैंने किया। दरअसल गाड़ी में पपीता था और पपीते का लास्ट सीजन था, जिस वजह से मंडी में भी इसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर को पहले ट्रांसपोर्टर ने लालच दिया, लेकिन गाड़ी खाली नहीं हुई तो फिर कसूर भी ड्राइवर का ही निकाल दिया। पार्टी ने ड्राइवर से कहा था कि अपना माल ले जाओ और माल से भाड़ा पूरा कर लो, तो ड्राइवर ने गौशाला में आकर माल ही दान कर दिया। ड्राइवर ने ये सारी जानकारी और वीडियो ट्रांसपोर्ट टीवी को भेजी। पार्टी वालों को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने ड्राइवर से इन वीडियोस को ना चलाने की अपील की और पूरा भाड़ा देने की बात भी कही, जिसके बाद आखिर में ड्राइवर अपनी सूझबूझ से ही भाड़ा लेने में सक्षम हुआ। अक्सर भाड़ा ना मिलने पर जब ड्राइवर घबरा जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते, उस समय पर इस ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और सूझबूझ दिखाई और पूरा भाड़ा वसूल कर लिया। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।